हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रेटा माइलेज यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रेटा हाईवे पे कितना माइलेज देती है। ये जो क्रेटा है ये है डीजल वर्जन, 2023 का मॉडल है ये, और इसे मैं अभी लेके जा रहा हूँ पुणे। तो अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये छोटी छोटी क्लिप्स में बना है, तो टोटल जर्नी में छोटी छोटी क्लिप्स बना के मैंने एंड में जाके दिखाया है कि कितना एवरेज दे रही है मुझे टोटल जर्नी कवर करने के लिए। तो जैसे कि आप अभी देख सकते हो, मैंने 155 किलोमीटर गाड़ी चलाई है और कुछ 28 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिखा रही है गाड़ी, और ये जो 155 किलोमीटर है ये मैंने कुछ 2.5 घंटे में कवर किया है। तो आप अगर एवरेज स्पीड निकाल लो तो ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर के स्पीड से मुझे गाड़ी चलानी पड़ी है, तब जाके मैं इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर कर पाया हूँ। तो इसका मतलब है कि 70, 80 या 90 के स्पीड से चलाने के बाद भी हाईवे पे आप अगर कंटिन्यूसली ऐसे चलाओगे, मेंटेन स्पीड मेंटेन रख के, तो आपको 27, 28 का या ऑलमोस्ट 29 का भी माइलेज मिल सकता है। तो दोस्तों, और एक चीज मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो बनाना यार थोड़ा सा मुश्किल काम है, थोड़ा सा रिस्की भी काम है, तो इतना करने के लिए मैं आपसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब की उम्मीद तो कर ही सकता हूँ, प्लीज उतना कर देना यार मेरे लिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो क्लिप है ये वाली, तो इसमें मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि ये अभी तक मैंने 214 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है 3 घंटे और 52 मिनट में, और मुझे एवरेज मिला है 26.3 किलोमीटर का। तो 4 घंटे में अगर मैंने 214 किलोमीटर कवर किया है तो ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर का एवरेज स्पीड मुझे मेंटेन करना पड़ा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, 9383 किलोमीटर आज तक मैंने गाड़ी चलाई है और उतने में मुझे 24.6 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज मिला है। तो आप भाई लोग देख सकते हो कि क्रेटा इतनी बार इतना टाइम चलाने के बाद भी मुझे 25-26 का एवरेज देती ही देती है। तो दोस्तों, ये वीडियो अभी यहाँ पे करते हैं खत्म। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, क्रेटा का माइलेज अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही क्रेटा माइलेज या क्रेटा के परफॉर्मेंस रिलेटेड वीडियोस, अलग अलग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू सून।